मेन कंपोनेंट क्या है ब्लड के, वो है प्लाज्मा और दूसरा है कार्ब सेल्स, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक। तो प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट जो है वो प्लाज्मा ही है, उसमें 90% तक वाटर ही होता है एंड अदर चीज़ें, फूड जो डाइजेस्टेड है वो सब चीज़ें प्लाज्मा होती हैं। तो प्लाज्मा मेनली जो फ्लूड पार्ट है वो प्लाज्मा है ब्लड में, ठीक है। और आरबीसी, इसके अलावा हुए हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, इसमें जो रेड है ये रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का काम है उस ऑक्सीजन को लेके जाना, सेल तक पहुंचाना, ठीक है। जो आरबीसी है वो रेड हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और डब्ल्यूबी का काम है जो कीटाणु बाहर से एंटर कर गए हैं, जर्म से एंटर कर गए हैं, उन्हें ख़त्म करना, लड़ाई करना उनसे और ख़त्म कर देना। और प्लेटलेट काम करते हैं उसमें, ब्लड का क्लोटिंग में अगर कहीं चोट लगी है तो जो ब्लड क्लोट होगा वो होगा प्लेटलेट्स की वजह से, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड को जमाने में, चोट लग गई है तो बाहर से जो धक्का जम जाता है वो अंदर नहीं जमना है। तो ये हो गए मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड।